ऑफिस में कार्य कर रहे कर्मी को कनपट्टी पर हथियार सटाकर की लूट करने वाला अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये अपराधी फ्लिपकार्ट कंपनी को भी लगा रहे थे चूना। एसपी जितेंद्र कुमार ने किया खुलासा। अगर आपको भी कटिहार में नए फोन कम कीमत पर मिल रहे हैं तो रहें सावधान। दरअसल यह वह मोबाइल हो सकता है जो अपराधियों के द्वारा फ्लिपकार्ट कंपनियों के कर्मियों से लूटी हुई हो। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसके वैज्ञानिक अनुसंधान से अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कटिहार पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह वह अपराधी हैं जो खुद बड़ी संख्या में फ्लिपकार्ट से मोबाइल ऑर्डर करते हैं, और वह जब मोबाइल लेकर स्थल पर पहुंचता है तो अपराधियों के द्वारा मोबाइल को लूट लिया जाता है और वह मोबाइल को बड़े बड़े दुकानों में बेच दिया जाता है, और वह दुकानदार इस मोबाइल को कम कीमतों पर ग्राहक को बेच दिया करते हैं। सुनिए पूरी रिपोर्ट, क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार। नमस्कार, आदाब। कटिहार पुलिस ने शातिर अपराधी गिरोह का खुलासा कर दिया है। दरअसल बता दे, ये वैसे अपराधी हैं जो फ्लिपकार्ट जैसे बड़े कंपनियों को भी चूना लगा चुके हैं। इस बात की जानकारी कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने खुलासा करते हुए कहा है कि ये वैसे घटना जो हुई थी 15 अप्रैल को, ये फ्लिपकार्ट का वहाँ पर गोडाउन है, उसमें काफ़ी कॉस्टली मोबाइल्स का लूट हुआ था, जिसमें जो हमारी टीम वहाँ पर गई थी घटनास्थल पर, तो उसमें जो हम लोगों ने देखा कि उसमें 3-4 लोग मिल करके बोरा में मोबाइल को रख करके और मोटरसाइकिल से जो है वो मोबाइल को लेकर के जा रहे हैं। ये जो घटना का इन्वेस्टिगेशन जब हम लोग स्टार्ट किए तो एक अलग तरह का क्राइम का मोडस जो है इसमें निकल के आया, जो कि काफ़ी यूनिक है। और इसमें क्राइम ये है कि इसमें साइबर क्राइम और हार्ड क्राइम, ये दोनों को मिला करके ये क्राइम किया गया। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अपराधी जो हैं ये इतने शातिर हैं कि इन लोगों ने फ्लिपकार्ट की जो कंपनी है उसको भी मूर्ख बनाया। उसके बाद जो फ्लिपकार्ट का गोदाम का जो ऑनर था उसके साथ तो जो लूट की घटना इन्होंने की वो तो की ही। ये घटना का अंजाम जो है, इन लोग का जो एमओ है वो ये है कि ये सीओडी पर मोबाइल का जो है ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट से, और हाई एंड मोबाइल है, काफ़ी कॉस्टली है सब। 45,000 का एवरेज मान सकते हैं कि सारी मोबाइल का कॉस्ट है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, सीओडी पर कैश ऑन डिलीवरी पर मोबाइल जो है ये लोग मंगाते हैं, और काफ़ी सारे नंबर से एक ही बार में मंगाते हैं और उसी एरिया में। तो ये ऑब्वियस है कि वहाँ पर फ्लिपकार्ट का जो भी जो सिस्टम है उस गोडाउन में पूरा मोबाइल जो है इकट्ठा हो जाता है, और इनके पास तो पैसे है नहीं, तो ये पूरे के पूरे फर्जी लोग हैं। तो वो पूरा मोबाइल वहाँ इकट्ठा हो गया और जा करके इन लोगों ने वहाँ पर लूट कर लिया। तो शुरुआत में ही घटना जो है, आप लोग भी इसको चलाए थे, तो घटना की गंभीरता को देखते हुए हम खुद इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे थे। इसमें 4 लोग हम लोग पकड़े थे जो उसमें घटना में इन्वॉल्व थे, जो फर्जी सिम वगैरह जो है जो प्रोवाइड कराए थे, और उसमें जो क्राइम में भी एक था वो भी उसमें पकड़ा गया था, परंतु हम लोग मोबाइल उस समय रिकवर जो है ज़्यादा नहीं कर पाए। अभी जो है एक बहुत बड़ी सफलता मिली है कि ये मोबाइल जो है टोटल 46 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किया है। ये टाउन का ही जो है एक राहुल सुल्तानिया है, इसका मोबाइल का बहुत बड़ा शॉप है। उसके बाद एक जोगबनी है जो अररिया जिला में पड़ता है, वहाँ पर मोबाइल का एक बड़ा शॉप है। इन दोनों दुकानदारों को जो है एक संजय नाम का आदमी है जो जिन्होंने घटना किया वो इनको जो है दुकान में देता है, और ये आदमी जो नेपाल के पास इसका बॉर्डर है ये कोशिश कर रहा था कि ये मोबाइल जो है ये नेपाल के में तब उसमें जो है लोग खरीदें और उसमें जो है ये चला जाए ताकि ये ट्रेस से हमारा बाहर हो जाए। तो हमारी टीम ने जो है जैसे ही मोबाइल ऑन होता है तो सभी को हम लोगों ने पकड़ा है। 46 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किया, पहले भी कुछ मोबाइल रिकवर है, लगभग 50 मोबाइल हम लोगों ने इसमें रिकवर कर लिया है।
टोटल 3 लोग पकड़े गए हैं, राहुल सुल्तानिया है, सरोज है और संजय है। इसमें जो ये लोग हैं, घटना के बाद जो मोबाइल को कैसे खपाया जाए उसमें ये तीनों लोग हैं, और उसमें जो क्राइम करने वाले, जो लूट करने वाले लोग थे वो भी जो है उसमें भी गिरफ्तारी हो चुकी है, और उसमें कुछ लोग बाकी भी हैं इस लिंकअप में। तो हम लोग सभी का गिरफ्तारी करेंगे, और ये पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत से इसमें काम किया है, तो इस सभी को जो है हम लोग पुरस्कृत। सर, कुल कितने मोबाइल की मोबाइल की जो रकम है लगभग, जो हम लोग रिकवरी किए हैं 19 से 20 लाख के लगभग का मोबाइल है। सर, कंपनी के प्रतिनिधि क्या भी चर्चा है? अब वो जो भी होंगे, हम हमारे लिए तो वो क्रिमिनल हैं। सर, जो जांच आ रही थी कि बड़े पैमाने पे मोबाइल की रिकवरी हुई कम, अभी जो नहीं, तो ये तो वही है जैसा जो उसने जो लिख करके दिया था, और उसी में हम लोगों ने सारे जितने मोबाइल का IMEI होता है उस सभी मोबाइल का हम लोगों ने IMEI चलाया है। तो कुछ मोबाइल वो बढ़ा करके दे दिया था, और वो भी जो है मतलब 70 के लगभग था। तो जब हम लोग उन लोगों को पकड़े तो पता चला कि उन लोगों ने जेन्युइनली वहाँ फ्लिपकार्ट से जो है ऑर्डर किया है, तो वो लोग तो जेन्युइन हो गए, तो इसने गलती से उसका नाम दिया। बाकी ये सारे जितने लोग थे ये सब कटिहार से, सर इंटरनेशनल मार्केट में सर बहुत सारा मोबाइल सप्लाई किया जा रहा है, इस तरह के मोबाइल बेचे जाते हैं ऐसा कुछ सर? नहीं, जैसे आपको मैंने बताया, इसका MO जो बताया आपको, ये काफ़ी एक प्लान तरीके से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। साइबर क्राइम भी इसमें शामिल है, फर्जी सिम से जो है फ्लिपकार्ट पर डिलीवरी मंगा रहे हैं, और उसको जो है पूरा इकट्ठा करवा रहे हैं एक ही लोकेलिटी में, और जा करके फिर 392 वहाँ पे कर दे रहे हैं।